आज का नाश्ता बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही हेल्दी होने वाला है, जो आप अपने बच्चों को आराम से लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात है कि आप इसको ना बनाकर 2-3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है, स्वागत करती हूँ अपने स्वादिष्ट भोजन रेसिपी पेज पे। तो आइए देखिए मैंने इसे कैसे बनाया है। ये हमारा लंच बॉक्स आइडिया है जो कि मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अगर इसे बनाओगे तो आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। पानी को गर्म करने के बाद में उसमें नमक और रिफाइन ऑयल, घी, जो भी आपकी इच्छा है वो आप डालिए। फिर आप ये सूजी, महीन वाली सूजी ले लीजिए। महीन वाली सूजी लेने के बाद में इसको इस तरह से चलाते रहिएगा ताकि ये क्या है कि नीचे की ओर हमारा सटे नहीं। तो इस तरह से चलाते हुए आप इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। और जब ये इसका पानी पूरा ख़त्म हो जाए ना, मतलब कि जब पानी पूरी तरह सूजी एब्जॉर्ब कर ले, देखिए इस तरह का जब हो जाए, तो फिर ये हमारा बनने के लिए तैयार था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो इसको बस यहाँ पर क्या करना है कि ठंडा कर लेना है, जिससे कि अगर जब हम इसे अपने हाथ में लेंगे ना तो ये गंदे ना। इस तरह जब ये बनने लगे तो आलू को बॉईल करके, बस आलू को मैसर की मदद से या कद्दूकस की मदद से काट लीजिए या अच्छी तरह से मैश कर लीजिए ताकि आलू में गुंठल ना हो। और बस आप इस सूजी वाले में मिला लीजिए अच्छी तरह से। स्पाइसेस आप अपनी मदद, अपने मतलब चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, जो कि इसको बहुत अच्छा टेस्टी बनाने में मदद करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली धनिया पत्ता ऐड किया है, और यहाँ पे चिली फ्लेक्स जो थोड़े से थे मेरे पास में, जो पिज्ज़ा में ऐड होता है वो ऐड की। ये सीक्रेट मसाला मैंने अपने घर पे बनाया, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी लोड है, वो आप जाके देख लेना। हाँ, मैं इसे कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी। और बस इसकी एक डो तैयार कर लीजिए, और अपने आप जो भी मनपसंद आपका जो भी शेप है आप उसको उसमें डालिए। ये मेरे बेटे को ना, बड़े छोटे वाले बेटे को स्टार बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए स्टार शेप में बनाया है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जब इसे उसे बना के दिया तो सबसे पहले तो वो देख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको ये बहुत पसंद आया, क्योंकि ये उसके मनपसंद शेप में था। और खाने के बाद में उसको और भी अच्छा लगा, बहुत ही खुश था वो। तो आई होप कि आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो एक ही करके मैंने देखे सारे जो स्टार थे, मतलब जो स्नैक था स्टार के रूप में उसे दे दिया है। तो और इतना मोटा रखना है ताकि क्या है कि बच्चों को क्या होता है ना कि पतला पतला बना के देंगे तो वो एक दो ही खाएंगे, उसका मन भर जाता है। तो बस इसको क्या करेंगे कि इस तरह से गर्म करेंगे एक कढ़ाई में बहुत सारा तेल, बहुत सारा तेल इसलिए ताकि हम, क्योंकि मैंने बहुत सारा बनाया था, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने तेल की ज़रूरत है। और बस इसको एक एक करके सब में डाल दीजिए। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो, ये मैंने हाफ फ्राई किया है ताकि क्या है कि बच्चों को ज़्यादा तेल भी अच्छा नहीं होता ना देने के लिए, तो मैंने नॉनस्टिक पैन यूज़ किया। नॉनस्टिक में ऐसे भी तेल हम लोगों को बहुत कम यूज़ होता है। तो बस इसको पलट पलट के अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए, लंच बॉक्स आइडियाज़ के लिए हमारे साथ में बने रहें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे पेज को, मेरे चैनल को फॉलो करें। इस तरह के मैं लंच बॉक्स आइडियाज़ हमेशा लाती रहती हूँ, वेट लॉस आइडिया, लंच बॉक्स आइडिया, ये सब मैं हमेशा लाती रहती हूँ। तो बस इसको आप इस तरह से एक शेप में देके इतना करके ब्राउन करके भून लीजिए, और एक अपने जो भी है प्लेट जो भी है इसमें आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब बारी थी हमारे बड़े वाले बेटे की, क्योंकि उसको भी भाई अपना कोई शेप चाहिए। तो उसके लिए मैंने, उसको फ्राइज़ बहुत पसंद है, तो मैंने उसके फ्राइज़ वाले शेप में बनाया। और एक एक करके देखिए मैंने फ्राइज़ वाले शेप में भी इसको तल लिया, और मैंने एक सैंडविच के शेप में भी बनाया। बस एक एक करके बच्चों को उनकी पसंद का लंच मिल जाता है, वो खा लेते हैं तो हमारा सबसे बड़ा काम हो जाता है। तो एक एक करके मैंने देखी सारा इस तरह से तैयार कर लिया था, हमारा जो नाश्ता था वो तैयार था। और ये मैंने लंच बॉक्स में उसे मुझे बना के दिया, जो कि टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, और सबसे अच्छी बात है उसे देखने में भी अच्छा लगता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।